हाँ तो गाइस, आज के इस वीडियो में मेरे पास में है ये काफी धमाकेदार एक बजट प्राइस वाला तगड़ा स्मार्टवॉच जिसका नाम है टेग वर्व मैक्स बज। भाई टेग ने इसको लॉन्च किया है ओनली फॉर 1999 की प्राइस में, यानी कि 2000 के प्राइस में। और भाई इसमें जो फीचर्स दिए हैं ना, वो एक फ्लैगशिप लेवल के। इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है मेटेलिक बिल्ड। और सबसे तगड़ी वाली बात कि इसमें आपको मिलता है 1.81 इंचेस का एक बड़ा एक लार्ज डिस्प्ले ओनली फॉर 2000 में। गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसको अनबॉक्स। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फीचर्स तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फीचर्स हैं वो अच्छी तरीके से वर्क करते हैं नहीं। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चलेगा किसको आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई पैकेजिंग भी काफी तगड़ी इसकी दी गई है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। यहाँ पर सामने ही आपको बॉक्स में टेक का ब्रांडिंग मिलेगा, एंड यहाँ पर जो हाइलाइटिंग फीचर्स है ना, वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि 1.81 इंच का डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग एंड वॉइस असिस्टेंट। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट एंड सीरी के फीचर्स भी मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर सारे फीचर्स की, कितने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। बाकी करते हैं इसको अनबॉक्स, और इसको अनबॉक्सिंग करने का भी तरीका काफी तगड़ा है। एंड यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच मिलती है ना, उसका बॉक्स भाई इस तरह से स्लाइड नहीं होता है, इसको होता है इस तरह से स्लाइड। इसको एक तगड़ी वाली आप अनबॉक्सिंग कह सकते हैं। भाई मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट है ये इस स्मार्ट वॉच के साथ में, जिसमें कि इतनी खतरनाक वाली पैकेजिंग की गई है 2000 रुपए की प्राइस में। इतना तगड़ा एक्सपीरियंस मुझे अभी तक तो नहीं हुआ था। अब आप बोलोगे भाई स्मार्ट वॉच कहाँ है, तो सबसे पहले एक छोटी सी क्विक आप इसकी अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद में हम इसकी डिटेल में बात। हाँ तो भाई ये है हमारे पास में फाइनल वो स्मार्ट वॉच, जो कि आप देख पा रहे हैं एक काफी तगड़ी देखने में लग रही है। भाई 2000 में दिल खुश कर दिया है आपकी बार टेग ने, 2000 में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, कि आखिर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमको कैसा देखने मिलता है। भाई मैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उससे काफी इंप्रेस हुआ हूँ, काफी तगड़ा बिल्ड दिया गया है। चारों तरफ का जो डायल आपको मिलता है पूरा मेटेलिक मिलता है, कोई भी इशू नहीं है, अच्छा खासा मेटल यहाँ पर यूज किया गया है। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बैक मिल जाता है, कुछ सेंसर्स वगैरह मिलेंगे, टेक का ब्रांडिंग मिलेगा, एंड चार्जिंग पोर्ट आपको यहां पर देखने मिलेगा। क्वालिटी काफी जबरदस्त है। साइड में आपको यहां पर एक स्पीकर मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है ये जो स्मार्ट वॉच है वो आपको कॉलिंग फीचर साथ में मिलती है। और इस तरफ आपको ऑन ऑफ बटन देखने मिल जाता है, जो कि भाई देखने में काफी प्रीमियम है, लेकिन भाई इसमें आपको कुरान वर्किंग नहीं मिलता है, ओनली फॉर ऑन ऑफ बटन आपको मिलेंगे। स्ट्रेप की अगर मैं बात करता हूं, भाई स्ट्रेप की क्वालिटी काफी तगड़ी है। कुछ स्क्रेचेस वगैरह आपको यहां पर देखने मिलेंगे, मतलब कि कुछ डिजाइन वगैरह आपको यहां पर स्ट्रेप पे देखने मिलेगी। क्वालिटी स्ट्रेप की काफी अच्छी है। जो हुक आपको ऊपर की तरफ मिलता है वो भी प्योर आपको यहां पर मेटेलिक मिल जाता है। भाई क्वालिटी नो डाउट काफी तगड़ी दी गई है, मैं तो इंप्रेस हुआ हूं इसकी क्वालिटी से। आपको भी कोई इश्यू इसकी क्वालिटी में नहीं होने वाली है, तो क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। देन अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो भाई इसमें आपको मिलता है 1.81 इंचेस का एक बड़ा एक लार्ज डिस्प्ले। भाई क्वालिटी डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो ब्लैक है ना वो एकदम डार्क यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, एंड जो आपको डिस्प्ले मिल जाती है वो आपको 500 नीट्स ब्राइटनेस के साथ में मिलती है। तो क्वालिटी ब्राइटनेस की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखी गई है। आप इतनी दूर से स्मार्ट वॉच को देख पा रहे हैं, आप यहीं पर खुद से अनुमान लगा सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी आपको डिस्प्ले की देखने मिल जाती है। भाई डिस्प्ले नो डाउट काफी अच्छी है, और जो डिस्प्ले आपको मिलेगी 2.5D कर्व ग्लास साथ में मिलती है, तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्लैट डिजाइन नहीं मिलती है, देखने में भी काफी प्रीमियम यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच आपको लगेगा। एंड जो डिस्प्ले है उस पर आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ही आपको यहाँ पर आप होल्ड करके रखते हो, होल्ड करने के बाद में आपको बहुत सारे वॉच फेसेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो एक बढ़िया क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है। बात करता हूँ उसके हेल्थ फीचर्स एंड सेंसर्स की। भाई अच्छे खासे हेल्थ फीचर्स सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, एंड जो एक्यूरेसी है वो भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर देखने मिल जाती है। अगर आप पूछोगे कि भाई टेबल प्रेडिंग देता है, कुशनिंग प्रेडिंग देता है, तो भाई नहीं देता, अच्छा खासा क्वालिटी आपको सेंसर्स में मिलेगा। अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि ये रीडिंग हवा में दे रहा है, टेबल पे दे रहा है, तो गाइस आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन आप ओपन कीजिएगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अपडेट भी आ चुका है। जैसे ही मैंने इसको बॉक्स से ओपन किया था, इसका अपडेट आ चुका था, तो अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद में ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं होगा। दिन बात करता हूँ स्पोर्ट्स मोड की। तो भाई 120 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड आपको मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स मोड इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्स मोड आप अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो नो डाउट जो स्पोर्ट्स मोड आपको चाहिए होंगे वो आपको यहाँ पर सारे कुछ मिल जाते हैं।
अब आती है इस स्मार्ट वॉच की मेन फीचर्स वाली बात, जो कि इसमें स्मार्ट फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्मार्ट फीचर्स थोड़ा लेट करूंगा, सबसे पहले यूआई की बात करते हैं कि इस स्मार्ट वॉच का जो यूआई है वो हमको कैसा मिलता है। तो थोड़ा पास में आऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखो भाई, ऐसा आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉच मिलेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मैं स्लाइड करूंगा तो गाइस यहाँ पर आपको जो टाइम वगैरह है वो देखने मिल जाएगा। ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल ब्लूटूथ कॉलिंग का जो फीचर है उसको ऑन ऑफ करने का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और एक फीचर आपको यहाँ पर मिलता है जो कि क्यूआर कोड वाला, जो कि आपने देखा होगा टेक की स्मार्ट वॉच में मिलता है क्यूआर कोड। अगर आप खुद से अपना कोई भी पेमेंट सिस्टम का क्यूआर कोड इस पे सेट करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो वो फीचर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ नेविगेशन बटन इसमें ऊपर की तरफ वाली स्लाइड में ही देखने मिल जाता है। तो ये चीज काफी अच्छी यहाँ पर दी गई है। देन गाइस अगर मैं इधर से इधर स्लाइड इसको करता हूँ तो गाइस आप यहाँ पर देख पाएंगे सारे शॉर्टकट बटन आपको मिल जाएंगे जो कि अभी रिसेंटली में आपने यूज किए होंगे। देन ऊपर की तरफ आपको मिलता है गूगल असिस्टेंट एंड सीरी, सिंगल टैप के यहाँ सिंगल टैप करोगे आपका गूगल असिस्टेंट एंड सीरी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आप कुछ भी यहाँ पर जो भी गूगल असिस्टेंट सीरी को बोलना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बोल पाएंगे। देन यहाँ पर साइड में ही आपको मिल जाता है मेन्यू वाला बार, आप देख पाएंगे मेन्यू बार यहां पर खुल गया, मैंने इसको सीधा ऐसा नॉर्मल सा रखा है जो कि आप देख पाएंगे और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। आप यूआई यहीं पर देख सकते हैं कि यूआई कितना प्यारा यहां पर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यहां से चेंज करूं तो गाइस आपको सिंपली इस पर बैक जाना है, बैक जाने के बाद में आपको सिंपली यहां पर सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद में आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले पे जाइए, नीचे आप जाओगे यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर मेन्यू व्यू देखने मिलेगा और इसमें बहुत सारे मेन्यूस आपको मिल जाएंगे जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मेन्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देन अगर मैं बात करता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे मैसेज वगैरह, जो भी सोशल मीडिया के मैसेज वगैरह आपको मिलते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी नहीं है मेरे पास में क्योंकि मैंने इसको ऑन नहीं कर रखा है। देन यहाँ पर मैं इस तरफ से इस तरफ स्लाइड करूंगा तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्टिविटी ट्रैकर, अगर आप जो कैलोरी वगैरह बर्न कर रहे हैं, आप कितने स्टेप चल रहे हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इस तरफ से मैं इस तरफ करूंगा तो सारे कॉल वाले फीचर आपको मिलेंगे, जैसे कि रिसेंट कॉल आपको मिलेगा, डायलिंग पेड आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट आप इसमें सेव कर सकते हो। तो रिसेंट कॉल में जो भी आपके पास में कॉल आए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, डायलिंग पेड में आप यहाँ से खुद से कॉल कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, आप खुद से एप्लीकेशन में जाके खुद में कॉन्टैक्ट इसमें सेव कर सकते हैं। भाई देखो इसमें फीचर्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके एप्लीकेशन को लेके, जिसमें कि मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं एक अच्छी तरीके से, क्योंकि फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो सिंपली मैं इस पर बात करता हूँ सेकेंड की, तो गाइस यहाँ पर इस तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर स्लीप रेट मॉनिटरिंग आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको हार्ट रेट मिलेगा, इस तरफ आपको बात करूंगा तो यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर मिलेगा और यहाँ पर वेदर का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है और यहां से आप इसमें कुछ भी और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो गाइस वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर यूआई में मिल जाती है। यूआई मुझे काफी अच्छा लगा भाई, अच्छी तरीके से वर्क करता है, कहीं पर भी लेग वगैरह का सीन मुझे नहीं मिला, अच्छा खासा यूआई आपको देखने मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको कॉलिंग वाले फीचर मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें आप कॉलिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मैं स्पीकर की इसकी जो वॉइस है वो सुना देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको सिंपली वेक करना है, जब मैं कॉलिंग वाला फीचर निकाल लेता हूँ यहाँ पर आप देख पाएंगे डायलिंग पेड आपको मिलेगा, डायलिंग पेड में आपको आपको 198 सेव करके दिखा देता हूँ, मैं कॉलिंग करूँगा तो वैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर कॉलिंग में भी आपको बहुत सारे फीचर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये कॉल लग चुका है और अब थोड़ी देर में आपको यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है वो पता चल जाएगी, सॉरी स्पीकर की क्वालिटी पता चल जाएगी। जारी रखने के लिए एक दबाएं तो कंटिन्यू इन इंग्लिश। तो गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पर जो क्वालिटी है वो बिल्कुल क्लियर है और इसका जो स्पीकर है ना वो भी एक लाउड स्पीकर यहाँ पर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि दबी दबी आवाज़ आपको मिलेगी, एकदम लाउड आपको यहाँ पर वॉइस देखने मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ में आता है। भाई देखो इस पर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखी थी कि इस पर आप लॉक स्क्रीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना अगर आपने रिसेंटली में नया स्मार्ट वॉच ये बाय किया है तो लॉक स्क्रीन अगर आप लगाते भी हो तो भी आपको वो इनेबल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो स्मार्ट वॉच है उसको आपको अपडेट करना है लेटेस्ट वर्जन पर, एप्लीकेशन से आप इसको अपडेट कर सकते हो, अपडेट करने के बाद में जो भी लॉक स्क्रीन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इनेबल करना है तो सिंपली आपको स्मार्ट वॉच ओपन करना है, ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर के ऊपर सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पे ऊपर कीजिए, नीचे नीचे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको स्विच पासवर्ड पर प्रेस करना है। जैसे आप स्विच पासवर्ड पर प्रेस करोगे, मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चार अंकों का पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, जैसे मैं 000 कर लिए तो कैसे आप देख पाएंगे जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, ऑफ करने के बाद में जैसे इसको वापस से ऑन करूंगा यहाँ पर मेरे से पासवर्ड मांगे जाएंगे, तो सिंपली मैं इसको 00 करके और यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो ऐसे आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हो, अपडेट आप जरूर से इसको कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी इसके स्मार्ट फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं भाई, अच्छी तरीके से वर्क करते हैं सारी चीज़ें, कोई भी इशू नहीं है। बात करता हूँ इसके प्रोटेक्शन की, तो भाई IP67 का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, जिम वगैरह के लिए, रनिंग वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू इसमें आपको नहीं होने वाला है।
देन अब सेकंड बात करता हूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई बैटरी बैकअप आप देख सकते हैं क्योंकि फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से आपको 2 से लेकर 3 दिन का इसमें मिलेगा अगर आप हार्ड इसको यूज़ करते हो, मतलब हार्डली यूज़ करते हो। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो 5 दिन बैकअप आपको मिल जाएगा, अराउंड 5 दिन, लेकिन अगर आप हार्डली यूज़ करते हो तो 2 से लेकर 3 दिन का बैकअप आपको मिल जाएगा और अच्छा खासा बैकअप यहाँ पर मिल रहा है भाई, क्योंकि फीचर्स भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी बड़ा है, तो इस हिसाब से आपको जो बैकअप है वो अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। तो सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ भाई, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी इससे रिलेटेड आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, एक वीडियो मैं और बना के आपको दूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कंप्लीटली तरीके से अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है, सारे फीचर्स आपको बता दूंगा। अब बात आती है कि भाई इसको हमको बाई करना चाहिए नहीं, तो भाई मैं आपको बोलूँगा सीधा आप जाके इसको बाई कर सकते हैं 199 की प्राइस में, एक अच्छा स्मार्ट वॉच आपको मिल रहा है, क्वालिटी ज़बरदस्त आपको मिल रही है, सभी चीज़ें बढ़िया मिल रही है, एक मेटल बिल्ड मिल रहा है, एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।